हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी बाजार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे प्रो कबड्डी लीग 7 सीजन के अंडर मैच के प्रीव्यू के बारे में। यह मैच खेला जाएगा जयपुर पिंक पैंथर गुजरात फोर्टी जायंट्स के बीच। यह मैच खेला जाएगा स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में, जो कि होम ग्राउंड है जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। यह जयपुर में फर्स्ट मैच रहेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम परफॉर्मेंस की, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, फॉर्म एनालिसिस चेक करेंगे, स्टार्टिंग सेवन की प्रेडिक्शन रहेंगे, साथ ही सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बताएंगे, प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस करेंगे, टॉपिक्स बताएंगे, स्माइल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशन और ड्रीम इलेवन का कॉम्बिनेशन का प्रीव्यू रहेगा। उन सभी से पहले फ्रेंड्स, आज सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप फैंटेसी बाजार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि अगली वीडियो जो वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो कोई ना कोई वेलेबल इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस की, इसमें बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। जयपुर ने 16 मैच खेल के 7 जीते हैं, 8 हारे हैं, 1 टाई किया है। 43 पॉइंट के साथ वो पॉइंट्स टेबल में 6 पोजीशन पे है। गुजरात ने भी 16 मैच खेले हैं, केवल 5 जीते हैं, 10 हारे हैं, 1 उनका टाइड रहा है। 35 पॉइंट के साथ वो 10वीं पोजीशन पे है पॉइंट्स टेबल में। गुजरात के लिए खासकर काफी इंपॉर्टेंट मैच है अगर उसको प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना है, क्योंकि टॉप 6 टीमें ही प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेंगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे तो हेड टू हेड में गुजरात का पलड़ा भारी है, उसने 5 मैच जीते हैं 7 मैचेज में से, और जयपुर ने केवल 2 जीते हैं। वहीं जयपुर रिसेंट फॉर्म देखे तो जयपुर ने अपने 5 मैचेज में से केवल 1 ही मैच टाइड कर पाए, कोई जीता नहीं है और 4 वो हारे हैं, यानी कि पूर फॉर्म में हैं। गुजरात ने अपने लगातार 3 मैच हारे हैं, उससे पहले वो उन्होंने टाइड किया और जीता था, वो भी कुल मिला के पूर फॉर्म में है। दोनों टीमों का देखे तो काफी पूर फॉर्म में टीमें हैं। जयपुर की बात करें तो उसने 16 मैच खेल के 253 रेट पॉइंट हासिल किए हैं 30 की सक्सेसफुल रेट से, और वहीं उनका टैकल पॉइंट 175 का है 40 के रेट से। गुजरात ने 16 मैच खेल के 251 रेट पॉइंट हासिल किए, 32% इनकी सक्सेसफुल रेट रही हैं, और गुजरात का जो टैकल का पॉइंट 154 लिए हैं, 43 का उनका सक्सेसफुल टैकल्स का रेट है। आप कह सकते हैं जयपुर का डिफेंडर्स ने कुछ अच्छा काम किया है गुजरात के डिफेंडर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके तकरीबन 20 पॉइंट्स ज्यादा है एक जैसे मैच खेलते हुए। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे तो फ्रेंड्स, इस सीजन में दोनों टीमों के बीच 1 मैच हो चुका है, जो कि 44वां मैच इस सीजन का था, जो कि 16 अगस्त को खेला गया था। उसमें जयपुर ने हराया है गुजरात को। और तो बात करें तो उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की, तो उसमें दीपक हुड्डा ने 7 पॉइंट, नीलेश सोलंकी ने 2, नितिन रावल ने 2, विशाल ने 3 लिए थे, संदीप डोल ने 3 लिए थे, अमित हुड्डा ने 2, पवन टीआर ने 2, दीपक नरवाल जो कि सब्स्टिट्यूट्स में थे 1 पॉइंट लिया था, बाकी सचिन तनोर ने 3, रोहित गुलिया ने 3, सोनू ने 1, सुनील कुमार ने 2, प्रवेश बैसवाल ने कोई पॉइंट नहीं लिया, पंकज जो खेल रहे थे फर्स्ट टाइम उन्होंने 6 पॉइंट लिए थे, ऋतुराज ने कोई पॉइंट नहीं लिया था, जेबी मौर्य ने 2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट्स में, ललित चौधरी ने 1 पॉइंट सब्स्टिट्यूट्स में लिया था। तो आप देख सकते हैं तो परफॉर्मेंस किसी अच्छी रही थी इस सीजन में हेड टू हेड। तो देखिए तो हेड टू हेड में ना तो सचिन तनवर तले थे, ना ही तो रोहित गुलिया, ना ही प्रवेश बैसवाल और सुनील कुमार। वहीं दीपक हुड्डा का अच्छा काम था, संदीप डोल ने अच्छा किया था, अमित हुड्डा ने 2 पॉइंट, पवन टीआर ने 2 पॉइंट लिए थे। आप देख सकते हैं हेड में ये परफॉर्मेंस थी, विशाल ने 3 पॉइंट लिए थे। उससे पिछले सीजन में बात करें तो हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, खासकर डिफेंस में, उसमें सबसे अच्छा नाम आता है फ्रेंड्स ऋतुराज कुवारी का। आप देखें तो 5 पॉइंट लिए थे, 4 पॉइंट लिए थे, तो आप देख सकते हैं उन्होंने अच्छा काम किया था। तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक करेंगे अगर ऋतुराज खेलते हैं तो। साथ ही बाकी प्लेयर्स की बात करूँ तो उसमें सचिन तनवर ने 8 पॉइंट लिए थे, प्रेश बैसवाल 4, सुनील कुमार 2, दीपक हुड्डा ने 4, संदीप डोल ने भी अच्छा काम किया था 6 पॉइंट, अजिंक्य पवार जो कि सब्स्टिट्यूट्स में आए थे 9 पॉइंट लिए, अजिंक्य पवार ने 1 मैच में स्टार्टिंग सेवन में भी 8 पॉइंट लिए थे। तो आप देख सकते हैं हेड टू हेड में परफॉर्मेंस कितनी अच्छी करी थी, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट देके ले सकते हैं इसमें से। अब बात करें तो स्टार्टिंग सेवन की प्रेडिक्शन की, सबसे पहले बात करेंगे जयपुर के स्टार्टिंग सेवन में। इनमें स्टार्टिंग सेवन में फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं पिछले मैच में सुशील गुलिया खेले थे और अच्छा काम किया था, उन्होंने 5 पॉइंट लिए थे, तो दीपक नरवाल ने खेले थे, अजिंक्य पवार ने खेले थे, नीलेश ने खेले थे, सुशील गुलिया को मौका मिला था, अमित तो आ चुके हैं, पवन टीआर खेल रहे हैं, विशाल लाठर भी आ चुके हैं टीम में,
स्टार्टिंग सेवन की बात करूं तो ये स्टार्टिंग सेवन रहेगी फ्रेंड्स, लेफ्ट कॉर्नर में संदीप डू, लेफ्ट में नितिन राहुल, लेफ्ट कवर रहेंगे विशाल लाटर, सेंटर में दीपक निवास हुड्डा, राइट कवर रहेंगे पोंटिया, राइट इन में सुशील गुलिया, राइट कॉर्नर रहेंगे अमित हुड्डा। परफॉर्मेंस अच्छी रही है विशाल लाटर की, दीपक हुड्डा की, संदीप डुल की। बाकी नितिन राव ने एवरेज परफॉर्म किया है और अमित हुड्डा ने भी एवरेज परफॉर्म किया है, सुशील गुलिया भी आए हैं टीम में तो इनकी देख सकते हैं आप। सबसे अच्छी बात है विशाल लाटर की, वो 6 मैचेस नहीं खेले थे, उससे पहले 2 मैच खेल रहे थे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। इनके सब्स्टिट्यूट्स में है नीलेश सोलंकी, अजिंक्य पवार, सचिन नरवाल, इलावर्सन, डेंक्यू केम। बाकी इनके पास दीपक नरवाल है, सुनील सुदगिल हैं, संतोष सलूम है, बाकी ये इनके सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे। इनमें अच्छी परफॉर्मेंस करी है अजिंक्य पवार ने, नीलेश सोलंकी ने भी करी है और सचिन नरवाल पिछले मैच में भी सब्स्टिट्यूट हुए थे तो 1 पॉइंट लिया था। अब बात कर रहे थे इनके प्लेयर्स के, जो रेडर्स हैं इनकी स्किल्स की परफॉर्मेंस रही फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इनके जो अच्छे ऑलराउंडर हैं उनके भी आप स्किल्स को नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते गुजरात के, गुजरात के स्टार्टिंग सेवन में, इनके स्टार्टिंग सेवन में जैसे कि पिछले मैच में वह सुमित मलिक को मौका नहीं मिला, अंकित को मौका नहीं मिला, ललित चौधरी को मौका नहीं मिला, इनकी जगह आए पंकज, ऋतुराज और जेपी मोरे, साथ ही हरमनजीत की जगह है रोहित गुलिया स्टार्टिंग सेवन में। स्टार्टिंग सेवन ये रह सकते हैं फ्रेंड्स, इनके लेफ्ट कॉर्नर रहेंगे पंकज, लेफ्ट इन में जेपी मोरे, लेफ्ट करेंगे प्रवेश बसवा, सेंटर में सचिन तेंदुलकर, राइट करेंगे सुनील कुमार, राइट इन में रहेंगे रोहित गुलिया, राइट कॉर्नर रहेंगे ऋतुराज कोरावी। तो इनके परफॉर्मेंस अच्छी रही है इन 4 प्लेयर्स की, लेफ्ट कवर की, सेंटर की, राइट कवर की और राइट इन की, ये प्लेयर्स इनके ठीक ठाक रहे हैं जो हर एक मैच खेले हैं, बाकी को रोटेशन में मौका मिला है। बाकी इनके पास सब्स्टिट्यूट्स में है एक प्लेयर है जो कि नाम है विनोद कुमार का, जब भी आए हैं इन्होंने अच्छा काम किया है, साथ ही सोनू जागलान भी इनके पास रेडर में है, जब भी इन्होंने परफॉर्म किया है अच्छा किया है। बाकी अबुल फजल, मकसूदुल्लीन, सुमित मलिक हैं, इनके पास ललित चौधरी हैं, गुरविंदर, अरमित, अंकित हैं, इनमें से भी कोई भी सब्स्टिट्यूट्स में हो सकता है। अब बात करें गुजरात के जो प्लेयर्स हैं उनकी स्किल्स की, दीपक सचिन तेंदुलकर की देखें आप, जेपी मोरे की देख सकते हैं और सोनू जागलानी काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं, साथ ही इनके पास ऑलराउंडर है, सबसे अच्छे ऑलराउंडर इस सीजन में इनके लिए फाइन रहे हैं रोहित गुलिया। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के स्किल्स की एनालिसिस की, पॉइंट के एनालिसिस की, तो इनमें स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमें आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। बात करें तो स्किल्स प्लेयर्स के पॉइंट एनालिसिस की, सबसे पहले रेडर्स में बात करेंगे दीपक हुड्डा की, उन्होंने 16 पॉइंट खेल के 110 रेड पॉइंट हासिल किया, 500 पर 10 लगाए, 48% इनकी सक्सेसफुल रेड्स रही हैं। उनके बाद नितिन राहुल जो खेल रहे हैं 12 मैच खेल के 32 रेड पॉइंट हासिल किए हैं, 35% इनकी सक्सेसफुल रेड्स रही हैं। सुशील गुलिया ने 6 मैच खेल के 47% इनकी सक्सेसफुल रेड्स रही हैं। बाकी नीलेश सोलंकी, अजिंक्य पवार, सचिन नरवाल ये आपको सब्स्टिट्यूट्स में दिखेंगे, इनके पॉइंट्स देख सकते हैं। रोहित गुलिया ने 16 मैच खेल के 89 रेड पॉइंट हासिल किए, 300 पर 10 लगाए हैं, 40% इनकी सक्सेसफुल रेड्स रही हैं। सचिन तेंदुलकर ने 14 मैच खेल के 78 रेड पॉइंट हासिल किए, 200 पर 10 लगाए हैं, 42% इनकी सक्सेसफुल रेड्स रही हैं। ये दोनों ही अपने टीम के रेडर्स रहेंगे। उसके बाद इनके साथ देंगे जेबी मोरे 14 मैच खेल के 34 रेड पॉइंट, सोनू जागलान 11 मैच खेल के 28 रेड पॉइंट। बाकी एवरेज रेड पॉइंट देखिए तो सबसे अच्छे हैं दीपक निवास हुड्डा के 6.8 के, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, रोहित गुलिया दोनों के 5.5 हैं, उसके बाद नितिन राव, सुशील गुलिया, उसके बाद आप ट्राई कर ले सोनू जागलान को अगर खेलते हैं तो जेबी मोरे। डिफेंडर्स में बात करें तो जो प्लेयर्स अच्छे रहे हैं उनमें है संदीप ढोल, 16 मैच खेल के 57 टैकल पॉइंट, 5 आई 5, 50% इनकी सक्सेसफुल टैकल्स का रेट रहा है। उसके बाद अमित हुड्डा ने 12 मैच खेल के 31, 2 आई 5 लगाए हैं। विशाल लाटर ने 10 मैच खेल के 27 टैकल पॉइंट, 4 सुपर टैकल्स। नितिन राव ने 12 मैच खेल के 15 टैकल पॉइंट, 1 आई 5 तो इनके दे सकते। उसके बाद पोंटियार जो कि तकरीबन दिखेंगे आपको टीम में, 12 मैच खेल के 11 टैकल पॉइंट। वहीं गुजरात की तरफ से प्रवेश बासवाल ने 16 मैच खेल के 34 टैकल पॉइंट, 2 आई 5। सुनील कुमार ने 16 मैच खेल के 43 टैकल पॉइंट, 4 आई 5, 6 टैकल सुपर टैकल्स, 40% इनकी सक्सेसफुल टैकल्स। और पंकज के 5 मैच खेल के 12, 1 आई 5, 55% इनके सक्सेसफुल टैकल्स।
ऋतुराज ने 11 मैच खेल के 7, जेबी मोरे ने किया 14 मैच खेल के 17, सुमित मलिक ने 14 मैच खेल के 15 और अंकित ने 12 मैच खेल के 13 पॉइंट लिए हैं। टैकल्स में एवरेज टैकल्स सबसे ज्यादा अच्छे रहे हैं संदीप ढोलके, उसके बाद प्रवेश बैसवाल, सुनील कुमार, पंकज, उसके बाद अमित उडर भी साल आठ रहे हैं। ये आपको डिफेंस में अच्छा करते हुए दिखेंगे ये अच्छे प्लेयर्स। उसके बाद आप के लिए बात करें तो फैंटेसी टीम्स के पिक्स के सबसे अच्छे पिक्स रहेंगे जो आपके मस्ट पिक रहेंगे वो ये छह प्लेयर हैं फ्रेंड्स, दीपक निवास हुड्डा, नितिन रावत, संदीप ढोल, सचिन तनवर, रोहित गुलिया, सुनील कुमार। केवल इसमें से नितिन रावत का परसेंटेज ड्रीम इलेवन पे केवल 9% है, इसलिए ग्रैंड लीग के लिए आपके डिफॉल्ट पिक रहेंगे। उसके बाद दीपक निवास हुड्डा को 92% लोगों ने लिया, संदीप ढोल को 94, 84 ने, सचिन तेंदुलकर को 87 ने, रोहित गुलिया का 75 ने, सुनील कुमार को 68% लोगों ने ड्रीम इलेवन पे लिया अभी तक है। बाकी समय लीग की बात करूँ, एट एट की बात करूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन में दीपक निवास हुड्डा है, रोहित गुलिया है। दीपक निवास हुड्डा सचिन तेंदुलकर को आप ट्राई कर ले, संदीप ढोल को भी आप ट्राई कर सकते हैं समय लीग में वाइस कैप्टन के रोल में। रोटेशन पिक्स में जो एक्स फैक्टर जो आपके लिए प्लेयर्स रहेंगे उनके नाम है सुशील गुलिया, विशाल, अमित हुड्डा, ये हैं, और जेबी मोरे, सोनू जागलान, प्रवेश बैसवाल, पंकज, ये हैं। बाकी और सभी के ड्रीम इलेवन पे कितने परसेंट लोगों ने लिया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको फ्रेंड्स आसानी हो प्लेयर सिलेक्शन करने वक्त। साथ ही ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस की बात करूँ तो फ्रेंड्स आप सचिन तेंदुलकर, नितिन रावल को ट्राई कर सकते हैं, सुशील गुलिया को भी ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टन में, दीपक निवास हुड्डा, सचिन तेंदुलकर को आप जरूर ट्राई करें, और सुनील कुमार को भी आप वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। डेमो टीम्स प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स फैंटेसी बाजार पे, ये बिल्कुल फ्री टीम है जो मैंने आपको इतना डीपली एनालिसिस ऊपर बताया है, इससे आप बिल्कुल आसानी से अपनी टीम बना पाएंगे इतना मैंने आपको बता दिया। साथ ही ड्रीम इलेवन के कम्बिनेशन के प्रयोग दिखाऊंगा मैं आपको तो उससे और आपको आसानी हो जाएगी। साथ ही अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, इन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इन सभी के लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन पे और मैं आपको 6 कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, पहले 2 कॉम्बिनेशन शिमालिक के, बाकी कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के हैं फ्रेंड्स। पहले कॉम्बिनेशन में मैंने ट्राई किया दीपक निवास हुड्डा को, सुशील गुलिया को, रोहित गुलिया हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सुनील कुमार पोंटियार, सुनील कुमार ढोल, इस टीम को आप ग्रैंड लीग में भी लगा सकते हैं। तो इस टीम में आपको चुनना पड़ेगा वाइस कैप्टन सचिन तेंदुलकर को, कैप्टन बनाया दीपक निवास हुड्डा को, वाइस कैप्टन रोहित गुलिया हैं। आप चाहें तो इस टीम में अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप रोहित गुलिया को कैप्टन बना सकते हैं, वाइस कैप्टन सुशील गुलिया को या सचिन तेंदुलकर को भी बना सकते हैं, सुनील कुमार भी हो सकते हैं, सुनील कुमार ढोल भी हो सकते हैं, ये सभी के मैंने आपको दिखा दिया है कि टीम से। अब बात कर लेते हैं अदर कॉम्बिनेशन की जिसमें मैंने ट्राई किया इस टीम में, मैंने ये चारों कॉम्बिनेशन सेम रखे हैं इस टीम में, ट्राई किया ऋतुराज को और अमित हुड्डा को, बाकी सुनील को कॉमन रखा पिछली टीम से ही। थर्ड टीम जो मैंने बनाई है 5-2 का कॉम्बिनेशन, इस टीम को भी आप ग्रैंड लीग में लगा सकते हैं, सुशील गुलिया को लिया, दीपक निवास हुड्डा को कैप्टन, वाइस कैप्टन रोहित गुलिया को, अगेन से अगर आप चाहे तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को बना सकते हैं, सुनील कुमार ढोल, अमित हुड्डा हैं, और यहाँ पे मैंने जो कि सब्स्टिट्यूट्स में जरूर आएंगे 1-2 पॉइंट ले सकते हैं, ये डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, अजिंक्य पवार आके 4-5 पॉइंट ले सकते हैं, तो ये काफी अच्छी टीम हो जाएगी। फोर्थ टीम में मैंने ट्राई किया गुजरात के फेवरेट टीम बनाई है, दीपक निवास हुड्डा को ट्राई किया है, पोंटियार को लिया है, रोहित गुलिया है वो कैप्टन बनाए, वाइस कैप्टन सचिन तेंदुलकर है, प्रवेश बैसवाल, सुनील कुमार, ऋतुराज को ट्राई किया है। तो फिफ्थ टीम में मैंने ट्राई किया फ्रेंड्स, मैंने डिफेंडर्स के बनाई है, मैंने अच्छा डिफेंडर सुनील कुमार और प्रवेश बैसवाल, सुनील कुमार, पोंटियार, नितिन रावल को ट्राई किया, ये भी डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं, साथ ही इनको वाइस कैप्टन बनाया है, सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बनाया, रोहित गुलिया भी है टीम में। यहाँ पे अच्छा ड्रॉप किया है दीपक निवास हुड्डा को, अगर वो नहीं चलते हैं तो ये टीम काफी अच्छा कर सकती है। लास्ट दो टीम में आपको दिखा रहे हैं वहां बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करी है, इस टीम में मैंने आप देखेंगे सुनील को नहीं लिया यहाँ पे गुजरात की तरफ से, ऋतुराज को ट्राई किया प्रवेश बैसवाल के साथ, और यहाँ पे मैंने रोहित गुलिया को ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल काफी रिस्की टीम हो सकती है ये, सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन बनाया, सुनील कुमार, सुशील गुलिया को और दीपक निवास हुड्डा भी है इस टीम में, तो यहाँ पे एक अच्छी मैंने ड्रॉप की है रोहित गुलिया की, तो बाकी टीम आपको अच्छी दिख सकती है ये। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, होपफुली आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आसानी से अपनी टीम बना पाएंगे, होपफुली आपने वीडियो को लाइक करके शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंत में।